तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों ये इंडिया के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और इसी के साथ आपको 32 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा एंड 5000 mAh की बैटरी भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ मिल सकता है आपको इस फोन में, और कब तक और कितनी प्राइस के अंदर ये इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होगा। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन के बारे में। तो इसमें आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ आएगा, और इसी के साथ आपको क्वाड कैमरा सेटअप विद LED प्लस भी मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें आपको बैक साइड में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जो कि एक पंचोल डिस्प्ले पैनल होगा, और इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको बैक और फ्रंट दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का SoC देखने को मिल सकता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है इसमें आपको MediaTek का Dimensity 800 का चिपसेट देखने को मिल जाए, जो कि दोस्तों एक 5G के सपोर्ट के साथ आता है, और इसमें आपको मिलेगा Android 10 का सपोर्ट, जो कि बेस्ड होगा MIUI 11 पर। और दोस्तों ये 3 रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है, 6GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB, जिसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। एंड वहीं पर बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो इसमें आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है, और इसी के साथ आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको 30W सुपर फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा, और दोस्तों इसमें आपको टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी बेस ब्रांड की प्राइस हो सकती है इंडिया के अंदर अराउंड 16,000 rupees। जी हाँ दोस्तों, लगभग 16,000 rupees की प्राइस में ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में फरवरी या फिर मार्च के मंथ में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों ये थी Redmi Note 9 Pro की प्राइसिंग, लॉन्च डेट और स्पेक्स। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।